स्कूल हेयर स्टाइल। तो गाइस नाउअडेज इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक गुड इवन अगर आप स्कूल में भी हो एंड आपकी हेयर स्टाइल आपकी ओवरऑल स्टाइल में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड स्कूल हेयर स्टाइल की बात करें तो वो गुड लुकिंग होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए एंड उसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। तो गाइस इन दिस वीडियो मैं आपको क्विक एंड ईजी स्कूल हेयर स्टाइल बनाना सिखाऊंगा बिना ब्लो ड्रायर को यूज किए, ताकि जब आप स्कूल या फिर कॉलेज में हो तो आपके हेयर स्टाइल ऑन पॉइंट रहे। सो अगर आपको जानना है देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस जो हेयर स्टाइल मैं आपको बताऊंगा वो दोनों तरीके से बन सकती है, मैसी भी बन सकती है, नीट एंड क्लीन भी बन सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस हेयर स्टाइल को कैसे रॉक करते हैं। तो गाइस इस हेयर स्टाइल को स्टाइल करने के लिए आपको बिल्कुल भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, ना आपको ज्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स चाहिए, ना कोई टूल चाहिए। आपको केवल दो प्रोडक्ट चाहिए मेनली, एक हेयर वैक्स चाहिए एंड एक हेयर स्टाइलिंग ब्रश चाहिए। एंड बाय द वे इन दोनों ही प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको परचेस करना है तो आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। ये हेयर स्टाइल तभी वर्क करेगी जब आपकी फ्रिंज एरिया की लेंथ 4 to 5 inches हो। सो गाइस आपको डैम्प टॉवल ड्राई हेयर स्टार्ट करना। वैसे तो हम ब्लो ड्रायर नहीं यूज करेंगे इस हेयर स्टाइल के लिए, बट फिर भी आपको डैम्प हेयर से ही स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आपको अपना हेयर प्रोडक्ट लेना है, उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है रूट से टिप्स तक। नेक्स्ट आपको एक हेयर ब्रश लेना है, आपको उससे अपने हेयर को कॉम करना है पीछे की तरफ। एंड अब आपको आपके हेयर को एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई होने के बाद आपको आपके हेयर को नेचुरल डायरेक्शन में कॉम करना है, साथ के साथ बैकवर्ड्स भी कॉम करना है। एट दिस पॉइंट यू आर प्रीटी मच डन। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको उस हेयर स्टाइल को मैसी रखना है या नीट एंड क्लीन रखना है। मुझे तो ये हेयर स्टाइल थोड़ी मैसी पसंद है, तो मैं अपने फिंगर से अपने हेयर में फिंगर कॉम कर रहा हूँ। एंड गाइज नाउ आई गिव यू अ बिट ऑफ अ स्पिन। वेल गाइज देयर यू हैव इट, ये थी क्विक एंड ईजी स्कूल हेयर स्टाइल। होप आपको हेयर स्टाइल पसंद आई होगी एंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली टाइम आ रहे हैं देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। एंड अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो वो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड कर सकूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप उसे देख सकें। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ के साथ आपको मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं। गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट one. Until then, keep styling and profiling.